तो हेलो गाइज, मैं हूँ धीरज। आज का एक्सपेरिमेंट बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक होगा। प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई मत कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास है वाटर, पेप्सी, जीरा सोडा है। अरे मजा। अब फिर वाटर, हम इसके अंदर क्या करेंगे, मेंटल सोडा को डालेंगे। मेंटल सोडा एक बहुत खतरनाक पदार्थ है, इसके अंदर डालेंगे, देखते क्या रिएक्शन होता है। जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले पानी के अंदर डालकर देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, इसके मेंटल सोडा डालने पर क्या रिएक्शन होता है। तो प्लीज आप ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई मत कीजिएगा, जो भी करते हैं हम साइंस के हिसाब से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम इसको अलग कर देते हैं, एक एक रिएक्शन देखेंगे इसका क्या रिएक्शन होता है। तो इसको हम कर देते हैं साइड और इस पानी के साथ में करेंगे आज। तो पहले इसका सेफ्टी भी जरूरी है, इसके साथ चाहिए हमारे हाथों में ग्लव्स डालना पड़ेगा। तब तक मैं ग्लव्स थोड़ा डाल लेता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ग्लव्स डाल चुका हूँ और ये है सोडियम मेंटल। देखते पानी के अंदर डालकर क्या रिएक्शन होता है। प्लीज आप ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई मत कीजिएगा। पहले क्या करेंगे, हम इसको निकाल देंगे। देख सकते हैं आप कैसा है सोडियम मेंटल, कैसा होता है। अब इसको डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, देखते क्या रिएक्शन होता है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा जी क्या रिएक्शन होता है। चलिए हम डालकर इसको भागेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं क्या रिएक्शन हुआ सोडियम मेंटल डालने पे। आप देख सकते हैं पूरा बोतल को फाड़ दिया है नीचे। प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में डालकर क्या रिएक्शन होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं जीरा सोडा है और इसमें डालते हैं मेंटल सोडा को, देखते क्या रिएक्शन होता है। पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खोल देंगे, खोल देते हैं। इसके अंदर भी गैस बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद मेंटल सोडा को निकालेंगे फिर। अब पीछे तू थोड़ा रह जाना, मैं इसको डालकर जाएगा। आप देख सकते हैं क्या रिएक्शन होता है इस जीरा सोडा के अंदर।
तो गाइज आप देख सकते हैं जीरा सोडा के अंडल भी ब्लास्ट किया, लेकिन इसका कुछ बोतल उतल कुछ नहीं फटा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा लरम हो गया है, पूरा पतला जैसे प्लास्टिक होता है ना पेपर की तरह, ये पूरा ग्लास हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा हम डाल कर देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो अब आया माजा का बारी, इसके अंदर डाल कर देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इस मेंटल सोडा को। हम इसको भी क्या करेंगे, खोल देंगे, इसको मेंटल सोडा को भी खोल लेते हैं। अब इसके अंदर भी डाल कर देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये माजा के अंदर डाल कर देखते हैं इस मेंटल सोडा को जी क्या रिएक्शन होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं हम तो डाल तो दिए हैं लेकिन रिएक्शन होगा। तो गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर भी क्या रिएक्शन हुआ, लेकिन बहुत अच्छा सा एक रिएक्शन हुआ। पूरा ऐसे पूरा जैसे अनार होता है ना, अनार की तरह ऐसे रिएक्शन हुआ इसमें। तो प्लीज आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा। गाइज आप देख सकते हैं अब आया बारी स्प्राइट का, देखते हैं इसके अंदर डालकर क्या रिएक्शन होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको भी खोल देंगे, इसको भी खोल दिया मैंने, पहले वाला तो बहुत तगड़ा उसका था। एक और पीस निकालेंगे और फिर डालेंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए डालते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्या बात है इसके साथ, पेप्सी के अंदर क्या बात है ऐसा जिसके साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है। कोई रिएक्शन नहीं, चलिए इसके साथ तो देख सकते हैं आप कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है। छूना भी बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर है सोडियम मेटल, क्या पता अगर गैस खत्म हो जाए तो ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सोडियम मेटल है कि नहीं वो तेरी, आप देख सकते हैं ये पेप्सी ने सोडियम मेटल को पूरा गला दिया इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ। तो चलिए आप देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें क्योंकि जो भी करते हैं हम साइंस के हिसाब से करते हैं।